हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ बिहार की फेमस लिट्टी बनाने जा रही हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। ये न्यू स्टाइल की लिट्टी है जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। चलिए तो मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ती हूँ। देखिए सकते हैं आप, मैंने 500 ग्राम के लगभग मैंने आटे लिए हैं, 200-300 ग्राम के लगभग सत्तू है चना का, प्याज कटा हुआ है, एक प्याज मैंने लिया था, ये कद्दूकस किया हुआ है, लहसुन और अदरक का अदरक, 2-3 मिर्ची मैंने कट कर लिए हैं, धनिया पत्ती है, नींबू इसमें लगेंगे, कलौंजी, अजवाइन। अब मैं गैस ऑन करूँगी। गैस ऑन करने के बाद मैं कढ़ाई को पैन को गर्म करूँगी। इसमें मैं ये घी है, मैं एक स्पून के लगभग घी डालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं सत्तू भून करके लिट्टी बनाऊंगी। मैं इसका पहले फिलिंग तैयार करूंगी। ये गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसमें सबसे पहले मैं ओनियन डालूंगी, और आप चाहे तो पहले डाल सकते हैं या बाद में भी, आप कच्चा खाना पसंद करें तो बाद में डालें। मैं आधे अभी डालूंगी, हाफ ऑनियन हाथ में बाद में डालूँ, इससे दोनों तरह के फ्लेवर आएंगी और बहुत ही टेस्टी और अच्छी भी लगेंगी। इसमें मैं हींग डालूँगी, आधी दो चुटकी के लगभग आप हींग डाल दें, इससे और अच्छी फ्लेवर आए, बहुत ही टेस्टी बने। देखिए मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट कद्दूकस किया हुआ है, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। जब हल्के से पिंच होने लगेंगे तब मैं इसमें सत्तू डालूँगी। देख सकते हैं कलौंजी में पहले नहीं डालूँगी, अजवाइन भी नहीं डालूँगी अभी, देख सकते हैं मैं भून दूँगी, तब इसमें मैं डालूँगी जो आप लोग को, ये आप लोग देख सकते हैं हल्के से पिंच हो रहे हैं। मीडियम एंड लो फ्लेम पे ही तो प्रोसेस करें। दो मिनट के लगभग इसमें लग जाते हैं इन दोनों को पिंच होने में। ध्यान रखें सबसे से काम करें। देख सकते हैं मैंने इसमें सबको डाल दिया है, अब इसको मैं छोटा सा भून लूँगी। अभी इसी तरह भूनने सौंधी सौंधी खुशबू आएगी इसकी, और बिल्कुल आपको गांव की याद आ जाएगी इस रेसिपी को, अगर मेरी तरह से आप लोग भी बनाएंगे तो। अच्छी चीज़ बनने में थोड़ी टाइम तो लगती ही है। अब मैं इसमें अजवाइन डाल दूंगी, थोड़ा सा मैंने मैंगरेला रख लिया है, आटे में मैं डालूंगी मैंगरेला। देख सकते हैं मैंने मिर्ची भी डाल दिए हैं। मैं गैस बंद करूंगी, इसमें कच्चे ओनियन जो मैंने आधे रखे थे उसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। जब हल्के ठंडे होने लगेंगे तब मैं इसमें देख सकते हैं मैं गैस से इसको अब उतार दूंगी। ये हल्के भून चुके हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स में जब मिलाऊंगी ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी, जो आप लोग को मैं ये दिखाऊंगी। तब तक मैंने इधर आटे को, आप देख सकते हैं आटे को मैंने इसमें अजवाइन डाल लिए हैं, इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग मैं रिफाइंड डालूंगी। देख सकते हैं इससे आप भी एक इतना रिफाइंड डालें जिससे खस्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे।
इसको इतना 500 ग्राम से 700 ग्राम के आटे के लिए मैंने पहले से दबा करके आटा लिया था। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करें। इसमें आप एक चम्मच के लगभग नमक ऐड कर सकते हैं। अभी मैं ऐड करूंगी। ऐड करके इसको मिक्स करें। देख सकते हैं एक चम्मच लगभग ये नमक है। छोटी वाली स्पून से मैंने लिया भर के, आप भी लें। इतना नमक इसके लिए परफेक्ट है। मैंने इसमें कलौंजी डाला है, एक स्पून के लगभग आप कलौंजी डाल दें। मैं इसको थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसको आटे में गूंथ लूँगी। देख सकते हैं ऐसे बंधने लगे, तब आप लोग भी इसे गूंथते ये पहचान है कि ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। पहचान यही है। आप देख सकते हैं मैंने इसको ट्रांसफ़र सत्तू को कर लिया है। अब मैं इसको इसमें पहले 1 स्पून के लगभग मैंने, देख सकते हैं 1 स्पून के लगभग नमक है, इसको मैं ऐड करूंगी। आटे में भी मैंने नमक डाले हैं जो आप लोग को दिखाई हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें नींबू डालूंगी। इसके बीज निकाल लें आप। बीज निकाल दें। इसमें एक नींबू पूरे इसमें लग जाए। अगर खट्टे आपको अधिक पसंद हो तो आप और नींबू ऐड कर सकते हैं। इसमें धनिया की पत्ती में डाल करके इसको मिक्स कर लूँगी और मैं इसकी अब फिलिंग करूँगी जो आप लोग के सामने मैं अभी दिखाऊँगी। अभी आटे को मैंने रेस्ट पे डाला है। उनका देखने ही चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने इधर आटे को सॉफ्ट कर लिया। 2 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। जो सॉफ्ट हो चुके हैं मैंने 1 मिनट के लिए इनको ऐसे मिला लूँगी। अब मैं इनकी छोटी छोटी लोइयाँ काटूँगी और फिलिंग करूँगी। ऐसे आप लोइयाँ काटें, देख सकते हैं ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ काट लें। तो देखिए इस तरह से मैंने इधर लोइयाँ काट ली है। मैं इसको फिलिंग करते हुए आप लोग को अभी दिखाती हूँ। आटे को गीले कपड़े से ढक ले, नहीं तो उसमें कपड़े पड़ने की ये रहती है। आप देख सकते हैं मैं इसको अब फिल कर रही हूँ जो आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे आप भी करें ऐसे करके, या ऐसे ये स्टेप आपको ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बेल लीजिए। अब इसमें ये फिलिंग जो मैंने सत्तू का बनाया है, देखिए इस तरह से इसको अच्छे से फिलिंग कर लें। इसको फिलिंग कीजिए, देखिए। अब इसको ऐसे ऐसे इसको पहले अच्छे से चिपका लूँगी। आटे हैं इसलिए ये चिपक जाएंगे अच्छे से। मैं इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करूँगी। और भी करें करके देखिए। आप चाहे तो इसको राउंड, लिट्टी है तो राउंड भी बना सकते हैं या दूसरे भी कलर स्टेप कर सकते हैं। इसी तरह सारी लोइयों को आप ऐसा बना लें। मैं दूसरी करके आपको दिखा रही हूँ इसी तरह का। देखिए इसी तरह आप भी बनाएं। फिलिंग भरूंगी। आप स्पून की भी सहायता ले सकते हैं। मैं सारी फिलिंग कर लूँगी, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। अब देख सकते हैं गैस पे तेल गरम हो चुके हैं कढ़ाई में। अभी तलने के लिए रेडी हैं। एक एक करके मैं इसमें डालूँगी
और इसको मैं धीमी फ्लेम पे तलूंगी। आप चाहे जिस भी सेब का चाहे सेब का डाल सकते हैं, मैंने दो सेब का इसमें यूज किया है। अच्छे से मैं तेल डाल करके इसको अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि मैंने इसे उबाला नहीं है, इसे थोड़ा सा इसमें तेल लगेगा। जब तक हो रहा है तब तक मैं इधर थोड़ी छोटी छोटी और कट करके इसको फिलिंग करूँगी। देख सकते हैं इसी तरह आप फिलिंग पर विशेष ध्यान दें कि आप अच्छे से फिल करें। देखिए कैसे इसको फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर लिए हैं, इस कलर का हो जाए तो आप इसे बाल में ट्रांसफर कर सकते हैं प्लेट में। मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है, मैं इसको परोस करके आप लोग को दिखा रही हूँ। इसी कलर का हो जाए तो आप भी निकालें, इसे धीमी एंड लो फ्लेम पे ही इसे बनाए। मैंने इधर और फिल करके रखा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। अब देखिए आप जिस साइज का चाहें उस साइज का आप बना सकते हैं। मैंने इसमें कुछ छोटे डाले हैं, कुछ डाले हैं, कुछ बड़े हैं। आपको इसे हर दो मिनट पे चलाते रहें। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, जिसे आप चटनी, इमली की चटनी, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, बादाम मूँगफली की चटनी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बरसात के टाइम पे ये बहुत ही अच्छे लिट्टी लगते हैं खाने में। आप भी अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें और कैसा बना मेरे साथ शेयर करें। हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।